स्वास्थ्य प्रबंधन क्षेत्र की जानी मानी कंपनी सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर अब लोगों की सेहत का ख्याल रखेगी। इसी कड़ी में रविवार को कंपनी का पहला सिक्स सिग्मा मेडिकल सेंटर दिल्ली के जनकपुरी में शुरू हुआ। जनकपुरी के बी ब्लॉक स्थित सिक्स सिग्मा मेडिकल सेंटर का शुभारंभ श्री रोबिन हिबू स्पेशल DGP दिल्ली पुलिस ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तनाव भरी जिंदगी और अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया है। इसी कारण से कई बीमारियां हो जाती हैं। यदि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और समय पर उनका उपचार कराए तो खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्स सिग्मा वाले जो आप तो सिर्फ यही देखा है, हम तो इनको चाइना बॉर्डर में भी इसका प्रेजेंस देख, जैसा उन्होंने अभी बताया है मेरे ही गाँव पे, मैंने भी अपने घर को महात्मा गांधी के नाम पे उसमें लाइब्रेरी और रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर खोला है। उसके साथ साथ सिक्स सिग्मा वाला हॉस्पिटल वाला भी वहाँ में गांव में खोल करके 9 गांव जो चाइना बॉर्डर के सामने में है, हॉस्पिटल में जाने के लिए उसको 2 घंटा आधा 3 घंटा लग जाता है। उसी में कोई ये हेल्थ यूनिट का कोई साधन नहीं था, तो मैंने बहुत डॉक्टर प्रदीप के बारे में सुना, मिले, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली उस गांव चाइना बॉर्डर अरुणाचल में नॉर्थ ईस्ट में सिक्स सिग्मा हेल्थ यूनिट खोला। सोविक भी यहाँ है, थापा भी है, वहाँ में 4-4, 5-5 महीना रह करके, इनफेक्ट अभी वो लोग अब जब भी गांव में जब जाते हैं अभी पूछते हैं बोमी कहाँ है, थापा कहाँ है, मतलब उस गांव का इतना प्यार हो गया है। और मुझे खुशी होता है कि यहाँ से हम दवाई भेजते हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि भगवान ने हर किसी को जीने का एक बार जिंदगी मौका मिलता है। ज़्यादातर लोग अपने के लिए जीते हैं, आप माने ना माने कर्मा, एक दिन आप सबको जाना है, लेकिन जाते जाते आपने देश के लिए समाज के लिए क्या किया। मैं मानता हूँ कर्मा और कर्म योगी अपना मेरे दोस्त मेरे भाई डॉक्टर प्रदीप है। कौन पूछता है हमारे उस पहाड़ों को, लेकिन उसका दिल में खून आया वहाँ पे, मैडम को लेके आया वहाँ पे। तो मैं आज इस सेंटर को, वो तो है ही है, मैं आपको उस हिमालय में ले गया, आज जो इनॉग्रेशन शुरू हुआ इनपे मुझे जलन होता है, काश हमारे साउथ दिल्ली में भी ऐसा होता है। तो इसीलिए ये मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा डे केयर सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं तो दिल्ली में आपका यहाँ जिले का DCP भी रह चुका हूँ, ACP भी रह चुका हूँ, यहाँ माहौल अच्छा है, पार्क है, वातावरण बाकी दिल्ली जैसा नहीं है, यहाँ ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं है। तो ऐसा में अगर ऐसा एक देख यार मिले तो सोने पे सुहाना हो जाएगा यार। सिक्स सिग्मा स्टार हेल्थ केयर के CEO एवं मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने सिक्स सिग्मा मेडिकल सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सिक्स सिग्मा हमेशा आगे है। जनकपुरी में शुरू हुआ सिक्स सिग्मा मेडिकल सेंटर क्षेत्र के लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। यह डे केयर सेंटर है। मेडिकल सेंटर में रोगियों को उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम करेगी, उन्हें यहां रोग के विषय में उचित परामर्श भी दिया जाएगा। होम विलेज वहां पर भी एक छोटा सा मेडिकल सेंटर स्टेब्लिश किया हुआ है, और हम जैसा आप जानते हैं सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर जो कि फेमस है हॉस्पिटल ऑपरेशन में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, इसके साथ साथ हम एक यूनिक काम करते हैं जिसमें आप सबका स्वागत है, इन्विटेशन है। हम लोग जितनी भी यात्राएं होती हैं उसमें मेडिकल सर्विसेज देते हैं, अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, मणिमहेश यात्रा और केदारनाथ यात्रा, इन किसी भी यात्राओं में आपको आना है तो आप आइएगा, बेझिझक आइएगा। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के लोग वहाँ पर होते हैं। इसके साथ साथ सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर एक छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ हमने एक लोकल प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल सोल्यूशन निकाला है, और सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के टोटल 328 हॉस्पिटल पूरी कंट्री के अंदर जिसको हॉस्पिटल बनाते हैं चलाते हैं। ये एक स्पेशलाइज सेंटर होगा जहाँ पर जो कि एम्स के, गंगाराम के या बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा। डॉक्टर अनिता भारद्वाज, उप निदेशक सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर ने मेडिकल सेंटर के शुरू होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तनाव भरे माहौल में रहने के कारण लोगों के स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि उन्हें सही परामर्श के साथ उचित मार्गदर्शन मिले तो जीवन में फिर से खुशियां आ सकती है। इसलिए सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर ने मेडिकल सेंटर के माध्यम से लोगों को निरोग रखने का एक अभियान शुरू किया है, और लोगों से अपेक्षा है कि वे सिक्स सिग्मा के इस अभियान में साथ देंगे। मेडिकल सेंटर के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर DR राय,
पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट IMA, डॉक्टर रजत मोहन हृदय रोग विशेषज्ञ सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर कुलराज कपूर बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ऋचा अग्रवाल दंत रोग विशेषज्ञ, सिख शर्मा हेल्थ केयर से भारत शर्मा, बलदेव बत्रा, पलक सेठी, तनिषा उप्रेती के अलावा शोभित चंद दत्ता भी उपस्थित थे।